के लिए तो गुरु ही गुरु है वो, क्योंकि उनको हमेशा पर्दे पे देखा है, कैलेंडर का रोल करते हुए, पप्पू पेजर का रोल करते हुए, हमेशा उनको फिल्मों में देखने का देखते रहते थे, सीखते रहते थे, राम लखन हो, या क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किया, चाहे वो स्टेज पर हो, सेल्समैन रामलाल स्टेज का हो, या फिल्मों में हो, कॉमेडी के कल्ट फिल्म जाने भी दो यार और लिखने का, और असिस्टेंट डायरेक्टर और एज एन एक्टर काम किया उन्होंने, फिर फिल्मों में बहुत सारे कैरेक्टर किए। फिल्म मिस्टर इंडिया में मेरा नाम है कैलेंडर, ये जो गाना जो हमने सुना था, तो जब ओरिजिनल गाना बचपन में दोबारा सुनने का मौका मिला तो मुझे लगता था कि शायद इस गाने की कॉपी उन्होंने की है, इतना वो दिल में छाया हुआ था, इतना बढ़िया परफॉर्म किया था सतीश कौशिक साहब ने। डायरेक्शन में आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, रूप की रानी चोरू का राजा, सलमान खान साहब के जीवन की सबसे उम्दा फिल्म तेरे नाम डायरेक्ट की थी, एक्टर डायरेक्टर और भी OTT प्लेटफॉर्म पर भी उनके जलवे आप देख ही रहे थे। मुझे एक बार उनके साथ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक सब TV पे एक शो आता था जिसमें मैं कॉमेडी मैंने परफॉर्म की और वो जज थे सामने अर्चना सपूर सिंह के साथ में, तो मुझे मैं पहली बार उनसे मिल रहा था। वैसे तो उनको फिल्मों में देख के मैं उनका दीवाना और फैन और गुरु तो मानता ही था उनको मैं, लेकिन जब मैं उनको पहली बार मिला तो वो उन्होंने जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स दिया, मुझे लग वो उठ के खड़े हुए सीट से और कहने लगा, अरे सुनील तू मेरे दोस्त तू कैसा है, ये गले लगाया मुझे, साथ में कुछ खाना वाना था खाना खिलाया, तो मैं समझता हूँ कि गुरु की तरह ही मैं उनके याद करूँगा और उनके काम के ज़रिए हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इतने मल्टी टैलेंटेड कलाकार, इतने मिलनसार तो इतने हैं कि होली के दिन सबसे मिलकर वो इस दुनिया से रुखसत करके गए, मुझे इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भगवान की आत्मा खुशहाल।
Thank you.
थोड़ी जल्दी करना ना बस। आई थिंक ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और बस हमें ये एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है एंड हम लोग इतना सारा टेंशन लेते हैं कि कल क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। एवरी टाइम वी लूज समबडी वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ बहुत छोटी है और स्ट्रेस लेना इज़ जस्ट स्टूपिडिटी। बट आई डोंट नो, सतीश जी मेरे बहुत क्लोज थे क्योंकि सबसे पहली आउटडोर जब मैंने की थी लाइफ की, हद कर दी आपने, और सतीश जी हमारे साथ थे, गोविंदा जी थे, एंड तब वो इतना सारा कॉमेडी करते थे, हमें हंसाते रहते थे, एंड हिमानी शिवपुरी जी भी थी, एंड यू नो इट वाज लाइक उनको ऐसा नहीं था कि मेरी पहली फिल्म है, आप नए हैं, मैं बहुत ही सीनियर हूँ। ही वाज ऑलवेज डाउन टू अर्थ, सतीश जी वाज ऑलवेज डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल, वेरी हम्बल। और हाल ही में वो जिम भी जाने लगे थे, इट वाज ही वाज जस्ट अ मैन हु वाज मूविंग विद द टाइम्स। It's a serious loss to the industry. He was like an icon with his roles and everything. It was really an personally to unki family ko bahut bada loss tha, but industry ko kitna bada loss hai, aap kya kya kehte hain unke bare mein, matlab jitna jitne between actor the kitna bada loss hai ye film, it's a huge loss. आपको इनफैक्ट सतीश जी के सारे एक्टर्स मतलब बहुत याद होंगे। आई एम लैक ऑफ वर्ड्स बिकॉज सतीश जी इज़ द ओनली डायरेक्टर जिनके साथ मैंने एक्टिंग भी की और उन्होंने मुझे डायरेक्ट भी किया था, तो मुझे भी है। सो आई थिंक ही इज जस्ट वेरी क्लोज एंड आई कांट इवन फैदम द रीज़न ऑफ दैट। अब हम कह भी नहीं सकते कि कैलेंडर खाना लाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये भाई तो भाई साहब और सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं यार, फोन मत छोड़ देगा भाई। गाड़ी अगर ए भाई गाड़ी से आगे बोलो। बोलिए बोलिए अनु जी, बोलिए। हाँ बोलिए। कहेंगे सबसे पहले जो है सतीश कौशिक जी हमारे साथ रह रहे हैं सर, कितना बड़ा लॉस है ये। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सतीश कौशिक साहब एक नायाब और कमाल के डायरेक्टर थे, लेकिन उससे ज़्यादा एक कमाल के इंसान थे। हमने चार फिल्में की हैं साथ में, मुझे कुछ कहना है जिसके गाने आज भी लोकप्रिय हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, बधाई हो बधाई, और एक आने वाली फिल्म भी तेरे संग। और उनका काम करने का तरीका बहुत कमाल था। आप जिन जिन सेलिब्रिटी से पूछेंगे जो उनको जानते हैं वो एक ही बात बताएंगे, वो बड़े हंसमुख इंसान थे, हंसते थे, हंसाते थे, जब हम काम करते थे लगता नहीं था हम काम कर रहे हैं। ऐसा इंसान फिर दुनिया में नहीं आएगा। मैं जितने भी लोगों से मिल के आया हूँ, खास करके
उनके परिवार को, ये ऐसा दुखद समाचार है कि परसों हमने होली साथ में खेली, परसों जावेद साहब के साथ डे बिफोर यस्टरडे, आज ये खबर आई है। तो किसी ने सही कहा है, न कल की खबर न पल की खबर, और क्या कहें। भगवान को आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस सदमे बर्दाश्त करने की बहुत शक्ति दे। ओम शांति। जी हाँ, इसके बारे में ये जो सवाल है सबके सब उठा रहे हैं, वहाँ भी बात चल रही है, यहाँ भी बात चल रही है, ये हो रहा क्या है। अचानक ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, हर दो दिन तीन दिन बाद ये खबर आती है किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त तो हम यही कहेंगे कि जो सतीश कौशिक जी के साथ हुआ है, ये हम सब निशब्द हैं, ना कोई हम कुछ सोच पा रहे हैं ना कुछ बोल पा रहे हैं। मैं तो बहुत हिम्मत करके आपके सामने आया हूँ, आप हमारे मीडिया दोस्त भाई बहन हैं, आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि सबको बड़ा सदमा पहुँचा है और बहुत ही लोग बहुत ही दुखी हैं। मेरी इतनी फिल्में मैंने की उनके साथ, वो एक एक फिल्म एक एक पल याद आता है, तो हम क्या बताएं आपको। क्या लगता है बॉलीवुड के अंदर लगातार सर वैसे लोग आएंगे नहीं, नुकसान तो आपके सवाल में ही जवाब है कि ऐसे नायाब डायरेक्टर, इतने अच्छे एक्टर, मेरी कितनी फिल्मों में काम किया है जहां मैंने संगीत दिया है, अच्छे इंसान, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर, अब जो उसको मंजूर, जो हमारे आनंद बख्शी साहब कह गए वही लाइन मैं दोहराऊंगा कि जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, इसके आगे हम क्या बताएं। ना सवाल, इस सवाल का जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। ओम शांति। Thank you.